बिस्मिल्लाह कॉलोनी निवासी पति पत्नी है। इनका आपस में 23 नवंबर को विवाद हुआ था, जिसमें पति ने गुस्से में आके जो है पत्नी को 3 तलाक दे दिया था। इसके बाद फिर उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, वो दोबारा जो है इनमें आपस में सुलहनामा की बात हुई। तो अनवर बाबा जो कि तंत्र मंत्र का काम करता है, उसने कहा भाई तलाक आपने दे दिया, उसका हलाला करना पड़ेगा। तो पति ने भी सहमति दे दी कि ठीक है, और उसकी पत्नी को लेकर ये अनवर बाबा जो है ऐशबाग में एक फ्लैट जहां वो रहता है वहां पर लेकर आया था, और हलाला के नाम पर जो है उस महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। इसके बाद जो है औरत पति के पास पहुंची तो उसने भी रखने से मना कर दिया, और उसके पश्चात जो है फिर ये थाना ऐशबाग पहुंची जहां इसने बताया कि इसके साथ जैसे घटना हुई है। इस पर से इसके पति के खिलाफ जो है मुस्लिम वुमेंस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, साथ ही साथ जो है अनवर बाबा जो है उसके खिलाफ जो है धारा 376 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है, और दोनों ही आरोपी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। सर, तांत्रिक की पूरी इस प्रकरण में क्या भूमिका रही? तांत्रिक बेसिकली इस लड़की का निकाही बाप भी है, और उसके नाते इसने पति को बताया कि आपने 3 तलाक दिया है तो इसमें हलाला आवश्यक है, और उसी के नाते जो है उसके जो है पति पत्नी के साथ जो इसके द्वारा बलात्कार किया गया है। ओवरऑल जो है तांत्रिक बाबा जो है थोड़ी बड़ी झाड़ फूक जंतर मंतर करता है, बहुत ज़्यादा ऐसा अलग से कोई बहुत पढ़ा लिखा आलिम या फाजिल नहीं है वो। उसकी धूर्तता की वजह से उसने इसका मौके का फ़ायदा उठाया और महिला के साथ दुष्कर्म किया।